हीरापुर झारखंड मैदान में भाजपा ने अपना आगाज स्टार्ट किया। टुल्लू महतो प्रत्याशी ने ये शब्द कहते हुए कहा, मैं देश के लिए आगे बढ़ूंगा, निस्वार्थ भाव से सेवा करूंगा, जनता की उस हर आवाज का मैं समर्थन करूंगा और साथ में समस्या का समाधान करने का प्रयास करूंगा। लेकिन टुल्लू महतो जी अभी भी कहीं ना कहीं डिस्प्यूट में पड़े हुए हैं, बहुत सारा उनके ऊपर लिटिगेशन है। उनका कहा कि अगर मैं जन समर्थन करता हूं तो कुछ लोग मेरे ऊपर दोषारोपण करते हैं, केस मुकदमा करते हैं, फर्जी मुकदमा दायर करते हैं और मुझे दोषी करार करने का प्रयास करते हैं, लेकिन हकीकत में जो लड़ता है वही विजयी होता है। दोस्तों, आज हम सबों के बीच बहुत जल्द लगभग 10-15 मिनट के अंदर में जय बरार बागमारा विधानसभा के 3 बार रह चुके विधायक और वर्तमान के भारतीय जनता पार्टी धनबाद लोकसभा के प्रत्याशी माननीय टुल्लू महतो जी हम सबों के बीच उपलक्ष होने वाले हैं। इस उपलक्ष में इस मंच से आप सबों को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं और बोलना चाहता हूं, आज के जो प्रत्याशी है वो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करने के लिए धनबाद लोकसभा की तरफ से जो है वो चयनित किया जा रहा है। दोस्तों, हम सभी को एकजुट होकर के देश की समृद्धि के लिए, विकास के लिए, हमारा देश का डन डन का जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्व पटल पर बज रहा है, भारत का मान सम्मान जिस तरह बढ़ रहा है, आगे भी बढ़ता रहे, इसी के तहत आदरणीय श्रीमान टुल्लू महतो जी को हम सबों को भारी मतों से विजय बनाना है। इसी संकल्प के साथ आज उनका जो है जोरदार रूप से जो है स्वागत समारोह रखा गया है, इसकी साक्षी जो है आप सभी बनेंगे। मडल के सीसीए सारा केस लगा तो भाई क्या आंदोलन कीजिएगा, संघर्ष कीजिएगा, केस होना ही है। आज वही सत्य है, आज दोनों महतो आज शोषण के खिलाफ, जुलम के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, माफिया के खिलाफ आज लड़ रहा है। आज कोई घर में बचा रहेगा, घर में बचे रहेगा उस पर क्या केस होगा? इसलिए साथी, केस से घबराने वाला नहीं है, जेल से अब जेल से जेल इसके लिए है, मर्दों के लिए जेल बना है, आज जो हथकड़ी बना है मर्द के लिए बना है, औरत के लिए नहीं। भारतीय जनता पार्टी में, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में, एनडीए में हमारा एक ही नेता है और वो सर्वमान्य है, सर्वग्राही है, सर्व स्पर्शी है और उसका नाम नरेंद्र मोदी है। लेकिन कोई गठबंधन के लोग जो उल्टा बोल्टा एनडी गठबंधन किए हैं वो बता दे उनका नेता कौन है। तो मैं आगे ये कहना चाहता हूँ, एक हाथी बाजार में निकलते जा रहा था, मोहल्ला होते हुए जा रहा था, हाथी को देख करके लोग अपने घरों से निकलते थे, हाथी को नमन करते थे, हाथी की पूजा अर्चना होती थी, हाथी का जय जयकार होता था और जितना जय जयकार हाथी का होता था, हाथी आगे बढ़ता था, लोग नमन करते जाते थे, लेकिन ठीक हाथी के पीछे कुत्तों का झुंड भी जा रहा था। आज हम सब लगातार भारतीय जनता पार्टी 365 दिन क्षेत्र में काम करते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जिस तरह से 10 सालों में विकास हुआ, पूरा देश नाच कर रहा है, पूरा देश उनके कामों को लेकर जिस तरह से हम लोग उम्मीद नहीं किए थे वो आज सपना साकार हुआ है। निश्चित तौर से ज्यादा कुछ ना बोलते हुए, क्योंकि हमारे प्रत्याशी
कई जगह कार्यक्रम है, लेकिन मैं आप सबसे आग्रह करूंगी कि भारतीय जनता पार्टी को आप सब हमेशा मजबूत और बेहतर से बेहतर रिजल्ट धनबाद लोकसभा सीट से हर उम्मीदवार को हर प्रत्याशी को जिताने का आप सब काम किए हैं। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबको लेकर चलती है, सबको सम्मान देती है, चाहे कोई भी समाज से हो। आज हम सब गर्व करते हैं कि लोग तरह तरह के आजकल हमारे विपक्षी सोशल में जो डाल रहे हैं आप सब देख रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चाहे नेतागण एक सूत्र एक बंधन में बने हुए हैं और लगातार हमारा आपस का भाईचारा, आपस का प्यार और भारतीय जनता पार्टी का कमजोर करने में कुछ लोग लगे हुए हैं। झारखंड मैदान के ऐतिहासिक ग्राउंड में प्रत्याशी घोषित होने के बाद इस क्षेत्र के सभी सम्मानित भाइयों बहनों के द्वारा आज हमें आमंत्रण दिए और यहाँ पे बुलाया आशीर्वाद देने के लिए, इसके लिए मैं अपने ओर से हार्दिक दिल से बधाई देता हूँ। और आज के इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित मंच पर बैठे हमारे इस लोकसभा के प्रभारी बड़े भाई सुरेश साहब जी, सब प्रभारी रोहित बाबू, सत्येंद्र भैया, रमेश भैया, हमारे कार्य समिति सदस्य रागनी सिंह जी, हम लोगों के अभिभावक संरक्षक जगत बाबू, अमरेश सिंह जी, धर्मजीत जी, लक्ष्मण नायक जी, परमानिक जी एवं प्रियंका पाल जी, हमारे तारा देवी जी, अचिंतो जी और सभी सम्मानित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भाई और बहनों, और मुख्य रूप से विकास साहब डबल विकास जी हैं, ओला जी हैं, रंजीत जी हैं और सभी हमारे इस क्षेत्र के सम्मानित भाई और बहनों, आज आप लोगों का आशीर्वाद सहयोग का परिणाम है कि आज हमें इस क्षेत्र के धनबाद लोकसभा के प्रत्याशी के रूप में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा घोषित की गई है। ये सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो किसी भी व्यक्ति को जो समाज में सेवा समर्पित भाव से कोई कार्य करता है तो वैसे लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिलता है, वैसे लोगों को प्रतिनिधित्व करने की जिम्मेदारी दी जाती है। आप लोगों ने देखे लगातार बाघमारा विधानसभा क्षेत्र से तीसरा बार प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला और आज अंततः अपने काम मेहनत का परिणाम है कि जो आप लोगों का आशीर्वाद से धनबाद लोकसभा सीट से प्रत्याशी के रूप में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मेरा नाम को प्रस्तावित किया है। मैं केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के सभी नेताओं को मैं अपने ओर से हार्दिक दिल से मैं बधाई देता हूं कि जिन्होंने इस धनबाद लोकसभा के प्रत्याशी के रूप में हमें समझे और धनबाद लोकसभा क्षेत्र के लोगों का सेवा करने का अवसर हमें दिया। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि जिस आशा और विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व ने हमें जिम्मेदारी दी है, मैं प्रभु श्री राम जी को साक्षी मानकर बोल रहा हूं, मेरा प्रयास होगा उससे भी बढ़ चढ़कर पूरे लोकसभा क्षेत्र के जनता को मैं सेवा करने का काम मैं करूंगा। दूसरी बात है कि भारतीय जनता पार्टी जब जब देश में सरकार बनाई है तब हम लोगों को और देश के जनता को ये महसूस होता कि लोकतंत्र है, मगर कांग्रेस के 70 वर्षों के कार्यकाल में लोकतंत्र नहीं लगता था, लगता था ये राजतंत्र है।
राजतंत्र में राजा का बेटा ही राजा बनता था। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, मगर भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के कार्यकाल में कोई गरीब का बेटा भी सांसद और विधायक बन सकता है। और जिसका जीता जागता उदाहरण आपका भाई ढुल्लू महतो मंच पर खड़े होकर बोल रहे हैं। यहाँ का इतिहास कोई भुलाया नहीं जा सकता कि झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के सरकार बनने के बाद हमें नहीं लगता कि झारखंड के कोई भी व्यक्ति, हमारी माँ बाप या दुकानदार या व्यवसाय, कोई भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करता था। मगर एक जनप्रतिनिधि का जो कर्तव्य जनता के प्रति होता है, दुकानदार के प्रति होता है, माँ बहनों के प्रति होता है, सदैव बाघमारा के विधायक तो थे मगर लगातार कहीं पे भी इस तरह से अत्याचार अन्याय, और झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के रीजन में गोली और बम दुकानदार और व्यवसायियों के बीच में चलता था, तो आपका भाई ढुल्लू महतो वैसे गलत लोगों का जवाब देने का काम करता था। और ये मैं कोई अपना चुनावी घोषणा भी नहीं बोल रहा हूँ, ये सच्चाई है। आप मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया निकाल के देख लीजिए कि जब जब इस तरह का परिस्थिति और संकट कभी भी धनबाद के देवतुल जनता के पास, जनता के समय के बीच आया है, तब तक उसका भाई ढुल्लू महतो खड़ा हुआ। ऐतिहासिक जगह हमारा धनबाद के धरना प्रदर्शन गांव था, रणधीर वर्मा चौक पे, वहां पे मैंने खड़ा होकर अपने वक्तव्य में कहा, जब व्यवसायों पर अत्याचार अन्याय बढ़ने लगा, एक भी व्यवसाय, बड़े बड़े व्यवसाय हमारे भाई बंधु नहीं होंगे जिनके यहाँ गोलियां नहीं चली होगी, जिनसे रंगदारी नहीं मांगा होगा, जो अपने आप का सुरक्षित महसूस नहीं करता होगा, यहाँ पे चिकित्सक है, डॉक्टर भाई बहन है, उनसे रंगदारी नहीं मांगी होगी, मगर किसी ने आवाज उठाने का काम नहीं किया। जब हमारे व्यवसाय बंधुओं के द्वारा लगातार अंदर ही अंदर इसका विरोध का स्वर उठने लगा, रणधीर वर्मा चौक में जब विशाल रूप से हमारे व्यवसाय भाइयों के तरफ से, दुकानदार भाइयों के तरफ से, ठेला भोंजा बेचने वाला, चिनिया बादाम बेचने वाला, छोटे छोटे चाय दुकानदार से भी रंगदारी मांगने लगा, तब बाध्यता होकर उन्होंने रणधीर वर्मा चौक में धरना देने का काम किया। उस समय थोड़ा विलंब से हम पहुंचे, मगर मैंने स्पष्ट रूप से खुले तौर पर चुनौती के तौर में भ्रष्ट प्रशासन के खिलाफ अगर आवाज उठाने का काम किया तो आपका भाई ढुल्लू महतो ने किया। मैंने तो उसका उदाहरण भी दिया, हमने भ्रष्ट एसएसपी के खिलाफ खुलकर विरोध करने का काम किया। हम एक जनप्रतिनिधि है और जनता कष्ट में होगा तो ढुल्लू महतो कभी बर्दाश्त किया है न कभी करेगा। उसी के परिणाम अब लोग बोलते हैं कि ढुल्लू महतो पर मुकदमा हुआ। कोई भ्रष्ट प्रशासन अगर जनता पर अत्याचार करे, अन्याय करे, और हम जनप्रतिनिधि हम देखते रहे उनका अत्याचार अन्याय, कतई ढुल्लू महतो से नहीं हो सकता है। गरीबों का जहां शोषण होगा, ढुल्लू महतो का वहां आवाज उठेगी ही। और मैंने उदाहरण के तौर पर मैंने कहा, रणधीर वर्मा चौक में विशाल धरना प्रदर्शन हमारे व्यवसाय बंधुओं के तरफ से हो रहा था, मैंने कहा कि देखिए एक एसपी का जो प्रतिमा लगा हुआ है रणधीर वर्मा जी का, जो धनबाद की धरती के लिए, धनबाद के सुरक्षा के लिए अपनी जान आहुति दे दी, जान का कुर्बानी दे दिया, और एक एसएसपी संजीव कुमार इस धनबाद को लूटते हजारों गरीब आदिवासी दलितों का जाने चला गया। ये भी एसएसपी थे, वो भी एसएसपी थे, मगर काम करने का तरीका और कुछ था। भैया जब भ्रष्ट प्रशासन के खिलाफ हम नेतृत्व करने वाले हम विधायक हैं और हम बोलेंगे तो हमको झूठा केस करता है कि झूठा केस करके जेल भेज दो, ढुल्लू महतो तो गरीब का बेटा है, किसान का बेटा, इस पर केस करेगा तो डर जाएगा। मैं आज भी बोल रहा हूँ कि धनबाद के देवतुल जनता के साथ अन्याय हुआ, ढुल्लू महतो फिर जेल जाने के लिए तैयार है, अभी पीछे हटने वाले नहीं है।
इसलिए भाइयों बहनों, मैं आप लोग से बस यही आग्रह निवेदन करने के लिए आया हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है कि जो आज गरीबों को भी महसूस होता है, हम लोकतंत्र में जी रहे हैं, हम मोदी जी के राज में जी रहे हैं, हम कुछ भी अपने स्वतंत्र देश में कुछ भी हम अपना इच्छा के अनुसार अच्छा काम कर सकते हैं। तो आपने देखा अभी जो मंच का संचालन हो रहा था, जिसमें ढुल्लू महतो जी आए थे और उन्होंने आगाज किया 2024 का लोकसभा चुनाव का, लेकिन इसके पीछे जो कार्यशैली है, इतना बड़ा जो मंच सजा और इतने सारे लोग आए और सारा जो व्यवस्था हुआ, उस व्यवस्था के पीछे कौन शख्स है, आइए उनसे जानते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा विकास कुमार साहू नाम हुआ। अच्छा, आपकी व्यवस्था समझ में आ रही कि आपकी व्यवस्था सही थी, आप क्या कहना चाहेंगे? आप ही लोग बता सकते हैं, आप ही लोग देख रहे हैं, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। अच्छा, और बताइए कि इसके बाद और क्या क्या करने जा रहे हैं? अभी बहुत कुछ करना बाकी है, जैसा हमें आदेश मिलेगा बीजेपी की ओर से, कमल फूल के छाप से, हम वैसा करेंगे। क्या बात है, तो आप क्या चाहते हैं कि इस बार जो है 400 पार? 400 पार ये तो बोलने वाली बात है, ये हर कोई जान रहा है कि 400 पार ही होगा। यानी कि इनके टक्कर में कोई है कि नहीं? कोई नहीं है, विपक्ष के पास तो आदमी भी नहीं हो रहा है कि उनके अगेंस्ट में खड़ा हो, आप लोग खुद देख रहे हैं, हो ही नहीं रहा, आदमी नहीं मिल रहा है, प्रत्याशी नहीं मिल रहा खड़ा होने के लिए। क्या बात है, तो आपने देखा कि विकास जी का कहना है कि कोई प्रत्याशी तो है नहीं और हम हैं पीछे, मंच के पीछे वाले संचालक और सबकी सुख सुविधा का ख्याल रखते हुए कमल छाप यानी कि बीजेपी जो आदेश करेगी, मैं उसका सहर्ष पालन करूंगा। आप देख रहे हैं सब पर नजर, मैं हूं निरंजन कृष्णा, कैमरामैन चंदू जी के साथ, नमस्कार।